हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नवा पार्ट है और चलिए हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कुछ तथ्यों को लेते हैं, कुछ फैक्ट को, कुछ कॉन्सेप्ट को और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 11 माह 28 दिन? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू? संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू या के एम मुंशी? किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950 या 1949? अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था इन दोनों में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एस राधा कृष्णन? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948? किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ? 1935 का अधिनियम या 1919 का अधिनियम? बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से या पश्चिम बंगाल से? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 या 22 जनवरी 1946? और भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई? जापान या रूस? संविधान की सर्वोच्चता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका? निर्वाचित राष्ट्रपति का जो पद है एवं उस पर महाभियोग किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में
व्यक्तियों का, क्षेत्र से व्यक्तियों का जो मनोनयन किया जाता है वो किस देश से लिया गया है, आयरलैंड या ब्रिटेन? प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन? शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच में किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? तो ये रहा कुल मिलाकर के। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको में एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन नेट में आईएएस पीसीएस सीडीएस एनडीए में आते हैं, अति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मिस ना करें। और आसान तरीका याद करने, 100 टाइम्स सुने, सुनते रहें, और अपने दोस्तों को भी ग्रुप में बताएं, एक माहौल बनाएं आप, ग्रुप कॉन्शसनेस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।